महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना संक्रमण में भी तेजी देखने को मिल रही है। इस बात से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बेहद चिंतित और क्षुब्ध दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 6 सितंबर यानी सोमवार को न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष की पार्टियों से भी राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ती हुई भीड़ पर खुलकर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों से कहा कि आने वाली चुनौतियों को देखते हुए भीड़ बढ़ाने वाले राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर तुरंत रोक लगाएं। आगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसे समय में सरकार से सहयोग करें, संयम बरतें और कोरोना के नियमों का पालन करें, वरना महाराष्ट्र को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल पर्व त्योहारों का समय है, ऐसे में प्रतिबंधों को लगाना किसे पसंद होगा, लेकिन पर्व त्योहार से ज्यादा इंसानों की जिंदगी अहम है, जान बची तो आगे भी त्योहार मनाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सहित पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। इतना ही नहीं, कोरोना ने एक बार फिर जोरदार दस्तक देना शुरू कर दिया है। अमेरिका में कोरोना की तीसरी लहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चीन भी चपेट में आ गया है। अपने देश की बात करें तो केरल में रोज 30,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। यह एक चेतावनी है। अगर हमने इस चेतावनी पर गंभीरता से गौर नहीं किया तो महाराष्ट्र के जनजीवन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार तो अपनी तरफ से तैयारी करेगी, लेकिन कोरोना से निपटने की उन तैयारियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, यह कोशिश की जाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि दूसरी लहर की शुरुआत कैसे हुई थी यह हम अच्छी तरह जानते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बड़ा संकट भी सामने आया था। पिछले अनुभवों को देखते हुए मैं सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से अपील करता हूं कि वे भीड़ बढ़ाने वाले राजनीतिक कार्यक्रम, सभाएं, मोर्चे तुरंत रोक दें। बाकी कार्यक्रम कड़े नियमों का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकते हैं। हमें किसी भी तरह कोशिश करके तीसरी लहर को आने से रोकना होगा। जनता की जान को सबसे पहली प्राथमिकता देनी होगी। मुख्यमंत्री वर्षा निवास स्थान पर आज आपदा प्रबंधन से जुड़ी एक अहम बैठक हुई। उद्धव ठाकरे ने इसी बैठक में अपनी चिंताएं जताई।